सुबह सब लोगों ने जो कार्यक्रम किया है महोदय पूरे कार्यक्रम की आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? तो यहाँ आज किसान मेले में आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली? आपको किसान मेले में क्या क्या जानकारियाँ मिली आज? सारी जानकारी मिली, मैं क्या बोलना चाहूँ, लेकिन जिस उद्देश्य से हम आए मई में करने वाली सरसों को हमको ये बताया गया था, बात से इंगित किया गया था वो अच्छा बीज मिलेगा और अच्छे बीज की कंपनियों का भी वो हमको नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? तो आज यहाँ किसान मेले में आपने क्या क्या नई बातें जानी? सब योजनाएं जो है वही सुनी सब। तो आपको क्या लगता है किसान मेले में आकर के आपको किस तरह के फायदा हुआ? जानकारी हुई नहीं है, जो है किसानी के संबंध में जानने को मिला, क्या होना चाहिए अनुदान किस चीज में है किस चीज में नहीं है, सारी जानकारियाँ होंगी। क्या तोहफा देंगे? देखिए किसान गोष्ठी थी और दो दिन के लिए किसानों को तरह तरह से खेती करने के लिए बताने के लिए सभी वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि खेती में ही जो जमीन की उर्वरक चीज है रासायनिक डालते डालते किसान की जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती की ओर किया जा रहा है। भारत सरकार योजना जिससे किसानों को जानकारी दी जाए, कई बार खेत में क्या होने लायक है क्या होने लायक नहीं है और हम लोग उसी का उपयोग किए चले जा रहे हैं, इसीलिए परीक्षण भी करवाया जाता है जमीन का कि किस जमीन में क्या हो सकता है और जो हो सकता है उसी को बोना चाहिए। कई बार हमने देखा कि यदि एक ने आलू किया पूरी एरिया में आलू होने लगा, किसान को जानकारी होनी चाहिए कि कोई आलू कर रहा है, कोई टमाटर करे, कोई और चीज करे। और खेती के लिए आज खेती के लिए अकेले नहीं, व्यक्ति के जुड़े हुए जीवन से भी बहुत आवश्यक है कि हम जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दें।